इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साउथ अफ्रीका में पिछले एक हफ्ते से जबरदस्त हिंसा भड़की हुई है। सैकड़ों शॉपिंग मॉल्स लूट लिए गए हैं, हजारों घरों को आग लगा दी गई है। सेना की तैनाती के बावजूद हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं। हिंसा के दौरान भारतीय मूल के लोगों को भी निशाना बनाया गया है। साउथ अफ्रीका की वायलेंस की फुल स्टोरी इस रिपोर्ट में। नेल्सन मंडेला के देश में महाभारत मची हुई है। दंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। लुटेरे खुलेआम डकैती डाल रहे हैं लोगों के घर, रिहायशी इमारतें, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और सरकारी इमारतों में घुसे लुटेरे जो भी हाथ आ रहा है उसे लेकर भाग रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा शहर डरबन हो, साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े हीरो नेल्सन मंडेला की बस्ती सोवेटो हो, भारतीयों की बड़ी आबादी वाला इलाका क्वाजुलू नटाल हो या दक्षिण अफ्रीका का कोई छोटा मोटा कस्बा, हर जगह लूटमार मची हुई है। दंगाई दुकानें और लोगों के घर लूटने के बाद उसे आग के हवाले कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका अपने यहाँ रंग भेद खत्म होने के बाद भड़की हिंसा के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इसे पिछले 30 साल में दक्षिण अफ्रीका में भड़की सबसे भयंकर हिंसा बताया है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अब राजधानी जोहानिसबर्ग समेत कई शहरों में राष्ट्रपति ने सेना तैनात करने का आदेश जारी कर दिया है। As a commander in chief of the South African Defence Force, and our security forces, I have today authorized the deployment of the Defence Force personnel in support of the operations of the South African Police Service. The National Joint Operation and Intelligence Structure, known as NetJoints, has intensified deployments in all the affected areas. दक्षिण अफ्रीका में ये हिंसा और लूटपाट पिछले हफ्ते शुरू हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल भेजे जाने के बाद उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, लेकिन देखते ही देखते पूरा देश लूटमार के अड्डे में तब्दील हो गया। कई शहरों में दंगाई सड़कों पर उतरे, उस भीड़ में लूटपाट करने वाले अपराधी भी शामिल हो गए। देश के 200 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर्स में लूटपाट के बाद आग लगा दी गई। कई जगह दंगाई पुलिस से भिड़ गए। हिंसा और लूटपाट से दक्षिण अफ्रीका का कोई भी शहर अछूता नहीं रहा है। कभी नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला के घर के लिए मशहूर सोवेटो शहर में सोमवार को एक शॉपिंग सेंटर में लूटपाट के दौरान मची भगदड़ में 10 लोगों की मौत हो गई। करीब एक हफ्ते से जारी बलवे में अब तक 72 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने अब तक लगभग 2000 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार का कहना है कि इस लूटमार के पीछे बड़ी राजनीतिक साजिश है। This violence may indeed have its roots in the pronouncements and activities of individuals with a political purpose and in expressions of frustration and anger. At the beginning of this unrest, there may have been some people who sought to agitate for violence and disorder along ethnic lines. जब एक हफ्ते में भी दंगाई काबू में नहीं आए तो स्थानीय लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए खुद हथियार उठा लिए। कुछ लोगों ने अपने आसपास हो रही लूट के लिए कम्युनिटी ग्रुप्स बनाए हैं और वो शॉपिंग मॉल्स में लूट मार रोकने में जुट गए हैं, क्योंकि इससे उनकी अपनी रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। What you're seeing here is from the distance, the entire community came out to support Maponyamo because we literally said to people, we have to come together, take the responsibility and protect what's left of our township economy and our communities, because looting has literally robbed us of our township economy.
लुटेरों ने दक्षिण अफ्रीका में ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों की बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया है। सोवेटो में एक शॉपिंग सेंटर चलाने वाली टी जॉनसन कहती हैं कि उन्होंने 12 साल मेहनत करके अपना शॉपिंग सेंटर खड़ा किया था और उनकी 12 साल की मेहनत एक दिन में लुट गई। You know what? I'm finished with anger. I'm very disappointed. I had the little bit of hope I had for a black man is finished. It's finished. Because these are the black people that did this to us. In the township, I didn't come here by train. I'm a Sowetan. I'm born here. I'm running the business here. I'm helping the community here. And this is the thank you. And then we are told that the very same people are coming to clean after they have looted. Tell me, how is that? It's just like being raped. And then you see the rapist walking past you. You tell me. जब पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के सरेंडर करने के बाद दंगे भड़के तो शुरू में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार को लगा कि अगर लोगों को नाराजगी व्यक्त करने का मौका दिया जाएगा तो हालात काबू में नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दंगाइयों के हौसले हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते ही गए। खुद पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनके अपने देश का मंजर खाड़ी देश में जंग जैसा दिख रहा है। The cars burnt out, wrecked cars in the road, they've looted everything, the factories are burning, warehouses are burning. The people are coming by their thousands to come and loot. KwaZulu-Natal aur Gauteng subon ke bade aur chote shaharon mein aagzani ki gayi. हाईवे जाम कर दिए गए और फिर बलवाइयों ने दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और गोदामों में जमकर लूटपाट की। खुद दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों ने चेतावनी दी कि अगर लूटपाट जारी रही तो प्रभावित क्षेत्रों में जल्द ही खाने पीने के सामान जैसे बुनियादी सामानों की सप्लाई खत्म हो सकती है। हालांकि मंत्रियों ने देश में इमरजेंसी लगाने से इनकार कर दिया और स्थानीय लोगों से अपील की कि वो पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर काम करें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।